यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है? सब लोग होप्स बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत बढ़िया हूँ तो चलिए आज आते आज आर टीपी सी ए फाइनल का जो की मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जाम के लिए है इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द आईसीए वेबसाइट आप आईसीआई वेबसाइट पे जाएंगे बोर्ड ऑफ स्टडी पोर्टल पे और वहां पर जो भी रिविजन टेस्ट पेपर आर टी दिर्ख है वहां पर आप क्लिक करेंगे आर तो टीपी में आपको ये ऑप्शन मिलेगा वन इज द था 2023 हिंदी मीडियम सेकंड इज अड ट्वेंटी 2023 अपडेटेड ऑन नाइंथ मार्च 2023 ये वाले पे आपको क्लिक करना है जो अपडेटेड ऑन नाइन्थ मार्च 2023 है उस पर आपको क्लिक करना है और वो वाला आर है वो हम सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में तो फटाफट आप एक काम करिए कैलकुलेटर ले लीजिए अपने हाथ में और कैलकुलेटर लेने के बाद चालू करते हैं हम आर का लेक्चर और आर टीपी मे टू सीए फाइनल के लिए तो सी ए फाइनल का ये आर टी पी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर आर टीपी में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं स्पेशली जो एमसीक्यूज आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एमसीक्यूज हमसे हो नहीं पा रहे हैं या कहीं ना कहीं पर डाउट आ रहे थे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चंस है तो देखते हैं आप लोग अपना कैलकुलेटर साथ में रखिए क्योंकि कैलकुलेटर से हम साथ साथ में कैलकुलेशन करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे पूरे क्वेश्चंस को तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला केस सिनेरियो केस सिनेरियो नंबर वन और एक मैं बात बता दू देखो एग्जाम में जो ये केस सीनेरियोज आते हैं ये उन्हीं लोगों से सही होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये केस सिनेरियोस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट हंड्रेड परसेंट क्लियर चाहिए तभी आप केस सिनेरियो सॉल्व कर पाओगे और मैं बता दू इस बार मैं जब इंडिया टूर पे था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले मुझे जो लास्ट एग्जाम में पास हुए उनके एमसीक्यूज में थर्टी आउट ऑफ थर्टी आया जैसे रैंकर वगैरह तो है वो तो है ही है बट नॉन रैंकर लोग भी थे जिनके 26 मार्क्स आए या किसी के 28 मार्क्स आए एम में इतने अच्छे स्कोर किए और वो स्कोरिंग के पीछे एक ही रीजन है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अगर आपको फोर कॉर्नर ऑफ द लॉ आपको पता है उस प्रोविजन से रिलेटेड हर चीज आपको पता है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो उस पर्टिकुलर केस में आप एम के आंसर है वो सॉल्व कर सकते हो एक तो थर्टी आउट ऑफ थर्टी वेदांत के आए वेदांत करके जो बंदा है अहमदाबाद का ही स्कोर ऑल इंडिया रैंक फोर था तो उसके तो थर्टी आने ही थे तो उसको थर्टी आउट ऑफ थर्टी ट्वेंटी एट मार्क्स आए थे बट टू मार्क्स हर किसी को ग्रेस मार्क्स मिला था लास्ट टाइम क्योंकि एक एमसीक्यू गलत था, तो उसकी वजह से चलिए तो हम चालू करते हैं यहां सिनेरियो नंबर वन तो एक बात बताओ, जब भी आप कोई भी पढ़ते हो आपको ढंग से पढ़ना है वो पर्सन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है वो आपको अंडरलाइन करना है उसकी एज क्या है वो आपको पता होना चाहिए वो बंदा कर क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी तो देखिए His salary income computed for the previous year 22-23 is 17,50,000. His salary income His brother Mr. Rajesh, age 45 years, is a resident Indian carrying on the retail trade business which has incurred the loss of 5,25,000. So here there is a loss of 5,25,000 from the business of Mr. Rajesh. Now next part. He also trade in the virtual digital asset, VDA. ट्रेड करता है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है

एज वेल एज आप अगर उसके राजेश की बात करोगे तो राजेश का, का जो है वो आपका लाइक ट्रांसफर एक्सपेंसेस है और सेल कंसिडरेशन है वो आपका थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड है उसके बाद में आगे दे रखा है एफ एम बी एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर है यह फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है डेट ऑफ ट्रांसफर का उसके बाद में फोर लैख टेन थाउजेंड दे रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू

लास्ट ईयर का दैट इज मिस्टर गणेश एंड मिस्टर वैलेश का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 लास्ट ईयर का टर्नओवर दे रखा है एज वेल एज द यहां ट्रांसफरी का टर्नओवर दे रखा है करंट ईयर का ये आपके करंट ईयर का टर्नओवर है करके चलिए अब एक बात समझते हैं यहाँ पे यहाँ पे जब भी आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हो आप अपनी कॉम्पैक्ट को एक बार ले लीजिए हाथ में जो कॉम्पैक्ट बुक है उसको आप हाथ में लीजिए और मैं आपको बताता हूं कहाँ पे क्या प्रोविजन दे रखा है जिससे आपको फटाफट याद हो जाए और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं आपकी बुक में मैंने एक नया टॉपिक बना के दे रखा है दैट इज द टॉपिक नंबर थ्री आई थिंक पेज नंबर रहेगा नाइन नाइन एंड दैट इज द टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट और टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट में एक सेक्शन दे रखी है वन वन फाइव बीबीएच करके और वन वन फाइव बीबीएच ये बोलती है कि क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल डिजिटल असेट अगर आप बेचते हो उस उसमें जो भी प्रॉफिट रहेगा दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट फ्लैट थर्टी परसेंट के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा वो जो प्रॉफिट है वो फ्लैट थर्टी परसेंट की रेट से टैक्सेबल होगा और बेटा आप उसमें देखोगे पहले पॉइंट पे मैंने दे रखा एनी एक्सपेंडिचर एनी अलाउंस एनी सेट ऑफ ऑफ लॉसेज नॉट अलाउड वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वीडियो

कि फेयर मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा आंसर इज नो ये ऐसा है ना सिर्फ एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन में आता है कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मोर देन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन ड्यूटी वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक तुम्हारा अनलिस्टेड शेयर के केस में सेक्शन फिफ्टी सी ए और अनलिस्टेड शेयर के केस में सेक्शन सी ए बोलती है कि इन केस ऑफ द अनलिस्टेड अनकोटेड शेयर इफ योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन लाइक सॉरी एफ एम वी मोर देन सेलिंग प्राइस देन विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो पहली चीज तो यहाँ पे इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम पहली चीज तो यहाँ कैपिटल गेन होगा या नहीं वो

लेकिन मैं राजेश की बात करूं तो राजेश के केस में आपका सेलिंग प्राइस थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड कॉस्ट कितना है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सो हियर इट्स कम्स टू द वन लाख रुपेज का गेन हुआ तो ये वन लाख रुपेज का प्रॉफिट हुआ ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वीडीए को ट्रांसफर करने से वन लाख ,00 का प्रॉफिट हो गया तो अभी तक मैं अगर बात करूं आपको तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कैपिटल हरी हरी के के गेन हुआ और वीडीए का जो है वो लॉस है और यहां पे के के में का है कितना है? वन लाख रुपए आगे क्वेश्चन यहां पे यहां पे आप एक बात बताइए क्या जो परचेजर रहता है वीडीए का उसके हाथ में क्या फिफ्टी सिक्स टू टेन लगेगा या नहीं आंसर इज यस अगर आप फिफ्टी सिक्स टू टेन जो गिफ्ट वाली सेक्शन है उसमें मैंने आपको यह बताया था कि या तो यहाँ पे आपको मनी मिलता है और मनी गिफ्ट में मिलता है और एग्रीगेट मनी मोर देन फिफ्टी थाउजेंड है इट इज फुल्ली टैक्सेबल या फिर आपको मूवेबल असेट मिलती है गिफ्ट में और मूवेबल असेट में कौन कौन सी असेट आती है यू नो दैट आपको पता है दस ग्यारह असेट आती है कौन कौन सी दस असेट आती है टोटल शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट तो वर्चुअल डिजिटल है वो अदर सोर्सेज में आएगी अगर आप लो कंसिडरेशन पे खरीदते हो और बेटा डिफरेंस आपका फिफ्टी से ज्यादा है तो डिफरेंस इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसीपेंट और इन हैंड्स

बायर नेम इज मिस्टर गणेश गणेश ने इसको खरीदा है किससे खरीदा है हरी से और हु इज एंगेज इन द द ट्रेडिंग ऑफ फूड ग्रेन फूड ग्रेन में है है करके ठीक अब एक बात समझिए यहाँ पे फाइव लैख टेन थाउजेंड है वो फेयर मार्केट वैल्यू है और उसने खरीदा कितने में फोर लैक नाइनटी थाउजेंड में खरीदा है तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है ट्वेंटी थाउजेंड है सो कैन आई सी दैट डिफरेंस इज नॉट मोर देन फिफ्टी थाउजेंड सो नथिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ भी गणेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा बट वेन इट्स कम्स टू द वैलिश एक बात बताइए वैलिश ने ये जो खरीदा है ये कितने

सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि वर्चुअल डिजिटल असट जब आप खरीदते हो तो क्या उसमें टीडीएस भी आता है या नहीं उसमें टीडीएस आता है यानी आंसर इज यस उसमें टीडीएस आता है और टीडीएस एस की सेक्शन आपको उसी पेज पे दे रखी है अगर आपके पास बुक है तो 99 पे वन एस करके टीडीएस की सेक्शन है और वन एस में क्या दे रखा है कि आप कंसीडरेशन किसी को पे करते हो वीडीए के लिए पेयर इज एनी पर्सन पे इज रेजिडेंट पर्सन और कंसिडरेशन टेन से ज्यादा का है तो आपको उस पर वन ऑफ कंसिडरेशन का टीडीएस काटना रहेगा वन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन है उसका टीडीएस काटना रहेगा अब एक और चीज समझना उसमें next point में ये बोला हुआ है कि यहां consideration है कि बेटा का लेकिन यह लिमिटेन थाउजेंड की जगह करोड़ जगहेंड की जगह ये जो लिमिट है वो फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा कौन से cases में अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसका बिजनेस लास्ट ईयर का टर्न बिजनेस का अगर वन करोड़ से ज्यादा नहीं है या प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसिट फिफ्टी लैक से ज्यादा नहीं है या किसी का बिजनेस है नहीं सैलरी एम्प्लॉई है तो वहां पर टेन थाउजेंड की जगह कंसिडरेशन का लिमिट है वो आपका फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा अब एक बात बताइए यहां पे जो आपका कंसिडरेशन है और वो कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं यहां पे जो पेयर है वो पेयर जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो कंसिडरेशन तो बेटा ऐसे भी इसमें फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो यहां पे 50,000 से ज्यादा है तो यहां पे टीडीएस तो आएगा ही आएगा कितना आएगा 1% की रेट से सो so, कंसिडरेशन कितना है फोर लैख नाइन्टी थाउजेंड है तो इस पे जो भी बायर रहेगा वो टीडीएस काटेगा 4,900 का टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन एट द रेट वन परसेंट ही आया और अंडर सेक्शन वन एस में और बेटा यहां पे जो बायर रहेगा वो थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड पे टीडीएस काटेगा एट द रेट वन परसेंट की रेट से तो आपका थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड उतने का आपका टीडीएस लाइबिलिटी आ जाएगा इतना टीडीएस कटेगा चलिए आगे क्या पूछा हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस टू ट्वेंटी थ्री मिस्टर हैज इनकम ऑफ फ्रॉम ऑफ इंडियन कंपनी तो यहां पर डिविडेंट इनकम दे रखा है टेन लैक फ्रॉम द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी अब मैं आपको एक जो पॉइंट बताने वाला हूं ना ये आपको ध्यान रखना है All people just pay attention. मैं आपको अभी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं मैं जो एक point बोलने वाला हूं, चाहिए तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना ठीक है? है, है, है या आपको दे रखा है इंटरेस्ट इनकम मीन डिविडेंट इनकम और इंटरेस्ट इनकम दे रखा है या ऐसा दे रखा है डिविडेंट और इंटरेस्ट अर्न्ड वर दे रखा है अर्न्ड अर्न्ड मींस यू हैव अर्न दैट इनकम अगर आपको ऐसा दे रखा है तो आपको यह समझना है यह इनकम ग्रॉस इनकम है ग्रॉस इनकम का मतलब होता है कि इसमें टीडीएस के पहले वाला इनकम है आई कैन टेक अ एग्जांपल एक बात बताइए वापस मैं बोल रहा हूं एक बार समझने की कोशिश करना मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम में आपको कभी भी एग्जामिनर डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम वर्ड दे दे या फिर ऐसा दे दे के इट इज अर्न तो इसका मतलब है जो भी इनकम आपको दे रखा है ये ग्रॉस इनकम है क्या है ग्रॉस इनकम क्या है ग्रॉस इनकम लेकिन एक चीज समझना अगर एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि जो भी dividend है या इंटरेस्ट है वो वर्ड दे दे वर्ड दे दे या फिर आपको यहां पे डिविडेंट या इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऐसा दे दे क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट तो आप एक बात यह समझेंगे कि आपका नेट इनकम है नेट ऑफ टीडीएस है और आपको टीडीएस से वापस ग्रॉसअप करना रहेगा सो फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऐसा दे रखा है कि आपका डिविडेंट इनकम इज टेन लैक इसका मतलब यह है कि टेन लैक ग्रॉस इनकम है डिविडेंट ठीक है अदर सोर्सेज में आपको टेन लैक है वो टैक्सेबल करना है अदर सोर्सेज में आपको जो टेन लैक है वो टैक्सेबल करना है लेकिन एक चीज समझना अगर एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे दैट इज द डिविडेंट रिस इज टेन लैक तो आपको यह समझना है ये नेट ऑफ टीडीएस है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है तो डोमेस्टिक कंपनी टीडीएस काटा होगा अंडर सेक्शन 194 में और 194 में टीडीएस कितना काटा होगा तो 10 लाख ,00 रुपीज का आपको जो भी डिविडेंड मिला होगा दैट इज फॉर द कैन से दैट दिस इज फॉर द 90% व्हाट कम्स टू 100% इट्स वन

एंड ही हैज पेड द इंटरेस्ट ऑफ फोर लैक ऑन द लोन बोरोड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर उसने लोन लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए उसका जो इंटरेस्ट है वो फोर लैक है एक बात बताओ डिविडेंड के सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता

एट लाख रुपएस का आपका जो है वो नेट इनकम आएगा डिविडेंड से

थ्री जीरो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का थ्री थर्टी वन आपको CII दे रखा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अब आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे हैं, आपको उसका आंसर बताना है तो सबसे पहली चीज ज दीटमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल सेट ऑप हो सकता है आंसर इज नो नहीं हो सकता क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आंसर इज नो ना ही ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो ना तो ये किसी से सेट ऑफ हो सकता है ना ही ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो चलिए ऑप्शन क्या दे रखे पहला इट इज द लॉन्ग टर्म यह लॉस जो है यह कैपिटल लॉस है या नहीं वो भी पता नहीं बिकॉज कैपिटल गेन में जाएगा या नहीं दैट इज द डिपेंड करेगा कि आपके लिए वो असेट कौन सी है करके ठीक है अगर मान लो आप इसको कैपिटल लॉस मान लेते हो लेकिन आगे क्या दे रखा देखिए इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विच कैन नॉट बी सेटअप अगेंस्ट दैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड इट हैजू बी कैरी फॉरवर्ड तो होता ही नहीं है इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस विच कैन बी सेटअप आंसर इज रॉन्ग such loss cannot be set up against any other source of income for the previous year 2223, 23 but can be carried forward no no it cannot be carried forward such loss can neither be set up against any other source of income for the previous year 2223, 23 and nor can it be carried forward to the subsequent year for set up against the income from same income income फ्रॉम सेम सोर्स अब एक बात समझना इसको ना तो भैया आप जो है किसी से सेट सेटअप कर सकते हैं ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो आपका जो पहले का जो आंसर रहेगा दैट डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछा है वॉट इज द इनकम इंक्लूडिबल इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश वर्चुअल तो वर्चुअल करने से राजेश इनकम हुआ था तो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया था राजेश का इनकम जो था वर्चुअल डिजिटल असेट पर वन लाख रुपए था बिकॉज थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कॉस्ट खर्चा है वो खर्चा अलाउ नहीं होता है तो आपका वन लैख है वो इनकम में इंक्लूड हो जाएगा सो बी विल बी द राइट आंसर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन

एंड ये कंप्यूटेड दे रखी है मीन इसको ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके बाद में आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है नाइन लैख तो उसमें ऐड कर दीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नाइन लैख का उसके बाद वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने से लॉस हुआ है इस लॉस को आपको जो है वो इग्नोर करना है लॉस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है

टोटल इनकम तो यहां पे आपसे टोटल इनकम पूछा था राउंडेड ऑफ सो 33 लाख 12000 बी विल बी द राइट आंसर यहां पे आपका 33 लाख 12000 है वो टोटल इनकम आ जाएगा किसका मिस्टर हरि का उसके आगे क्या पूछा है व्हाट वुड बी द टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ टू मिस्टर राजेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2324 एंड व्हाट इज द जो राजेश है राजेश की इनकम में क्या क्या था तो राजेश की इनकम में इस बार एक तो वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने से वन लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और उसका जो बिजनेस का लॉस है जो बिजनेस है वो बिजनेस का लॉस है 525. अब एक और चीज समझता या यहाँ का लॉस है और वन लेख का गेन है से तो वीडीए के गेन के सामने क्या बिजनेस के लॉस सेटअप हो सकते हैं आंसर इज नो बिल्कुल नहीं हो सकते अब एक बात बताओ इसके पास में और इनकम जो है वो एफडी का इंटरेस्ट है यहां एफ डी का जो राजेश के पास में में इंटरेस्ट इंटरेस्ट है है वो का कहां टैक्सेबल होता है? में. क्या IFOS की इनकम के सामने बिजनेस के लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं आंसर इज यस करंट ईयर के बिजनेस के लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं देखो बिजनेस के लॉसेस है ना वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं अदर देन सैलरी सैलरी को छोड़ के तो सैलरी को छोड़ के इससे सेट ऑफ हो सकते हैं तो आप एक काम करिए ना अदर सोर्सेज का जो इनकम है वो वो आपका आपका है से आप एक काम करिए बिजनेस के जो के जो करंट ईयर लेस कर दीजिए तो 525 तो आपका 475 का लॉस बच गया ये और ऑफ नहीं हो सकता इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और एक बात बताओ वर्चुअल डिजिटल असेट से आपका क्या वन लेख का गेन है यहां पे गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा करके ठीक है अब यहां पर पूछा क्या था आपसे आपसे पूछा था टैक्स भी निकालना है तो एक बात बताओ वर्चुअल डिजिटल है ना वो वर्चुअल डिजिटल है उसका गेन है आपका और तो टैक्स आपका आ जाएगा थर्टी थाउजेंड अब यहां पर थर्टी थाउजेंड का आपका टैक्स आ गया लेकिन यहां पे क्वेश्चन यहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए मिलेगा या नहीं मिलेगा

और एक बार में 87 ए का रिबेट नहीं लेता बिकॉज़ एज पर माय अंडरस्टैंडिंग 87 ए का रिबेट मिलना चाहिए बिकॉज़ अगर आप आईटीआर फॉर्म भी देखोगे उसमें 87 ए का रिबेट देते हैं करके ठीक है सिर्फ 87 ए का रिबेट 112 ए की इनकम के सामने नहीं मिलता जो 112 ए की इनकम है उसके सामने 87 ए का रिबेट नहीं मिलता बाकी जगह तो मिलना चाहिए बट इसमें क्लैरिटी नहीं है देखो आप बोलोगे सर 87, या जो वर्चुअल डिजिटल की इनकम होती होती है है वो तो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल उसके सामने इनकम के सामने कोई एक्सपेंडिचर अलाउंसेस वगैरह वो अलाउ नहीं होते अरे भाई इनकम के सामने एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होते मैं टैक्स की बात कर रहा हूं रिबेट अंडर सेक्शन एटी है वो तो टैक्स के सामने मिलता है ना तो टैक्स के सामने रिबेट तो मिलना चाहिए करके ठीक है बट एक काम कर दिया चलो एक काम करते हैं पहले 87 ए का रिबेट लेते हैं तो 87 ए का रिबेट कितना मिलेगा 12,500 तो लेस कर देंगे 12,500 तो 30,000 माइनस 12,500 तो आपका आ गया 17,500 अब एक बात बताइए 17,500 प्लस आप क्या करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से सो प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट फोर परसेंट सो प्लस फोर इट्स कम्स टू द एटीन और माइनस कर देंगे आपका जो टीडीएस कटा हुआ एक चीज ध्यान रखना यहां पे और देखो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना है लाइबिलिटी अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछा है इसका मतलब आपको जो टैक्स आता है ना वो टैक्स निकालना है आप टीडीएस वगैरह लेस मत करिए लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आपको टैक्स पेबल निकालना है, आपका कितना है? तो टैक्स पेबल वर्ड बोला है ना तो आपको ध्यान रखना है जो भी टैक्स है उसके सामने आपका कोई भी एडवांस टैक्स रहेगा या टीडीएस टीसीएस रहेगा इसका आपको क्रेडिट देना है और टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट एडवांस टैक्स का क्रेडिट देने के बाद कितना बचता है दैट विल बी योर टैक्स पेबल करके ठीक है चलिए तो अब आप मुझे एक बात बताइए यहां पर जो है वो 18,200 है और यहाँ पे उसका टी कितना कटा हुआ है तो टी की अगर मैं बात करूँ राजेश का तो राजेश का टी कटा होगा राजेश का टी कितना कटा था राजेश का टी है वो कटा था 3,500 तो 3,500 आप इसमें से और लेस कर दीजिए तो 3,500 आप और लेस कर देते हैं तो 3,500 इट्स कम्स टू द 14,700 बट बेटा इसमें 14,700 का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है अब एक बात समझना, अगर सिर्फ किसके सामने नहीं मिलता वन वन टू ए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने नहीं मिलता बाकी के सामने मिलता है। तो आप क्या करेंगे यहां थर्टी ले लेंगे अब आप एक काम करिए थर्टी में सीधा फोर हेल्थ एंड एजुकेशन से फोर टू दर्टी वन टू हंड्रेड माइनस आपका 3, है, वो TDS का, वो का लेस कर दीजिए तो आपके एंड सेवन हंड्रेड आ जाता है तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड द राइट आंसर और फोर सेवेंटी फाइव का लॉस है बिजनेस का वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपके जो है वो राइट right आंसर है सी विल बी द राइट आंसर अब आप बोलेंगे सर हमको एग्जाम में क्या करना है देखो मेरा इस क्वेश्चन पे आई हैव मेल टू दई से ऑल्सो वट एवर दे हैव रिप्लाइड के भाई आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मतलब सेलेक्ट करता है तो जब आप मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो कहीं आंसर है ही नहीं ना तो जब फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड कहीं पे नहीं है तो दूसरा आप ये मानिए कि अगर एटी सेवन नहीं मिलता है तो क्या आंसर आता है तो है वो आप एज आंसर ले लीजिए चेक करेंगे आपके आंसर सही है या नहीं है तो चलिए एक काम करता हूँ मैं माफ करता हूँ आपने क्या क्या आंसर निकाले आप लास्ट में देख लीजिए कि आंसर पहले का डी है दूसरे का आंसर बी है तीसरे का आंसर डी 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 है डी डी एंड डी है उसके बाद में एक आंसर है है वो C है. तो D, B, D, 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 C, तो देखते हैं एक बार आपके आंसर आईसीआई ने जो दे रखे क्या उससे मैच कर रहे हैं नहीं पता नहीं कभी कभी चेंज भी कर लेती है आईसीआई बहुत बार आंसर तो चलिए तो पहले का आंसर जैसा अपन ने बोला डी है तो डी है पहले का उसके बाद में डी है बी है डी डी एंड डी एंड सी है करके ठीक है सो ऑब्वियसली योर आंसर आर राइट तो है वो अपने यहां पे राइट हो गए चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसको यहीं पे साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हुए चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे देखते हैं क्या आंसर आते हैं क्या है क्या क्वेश्चन पूछा है तो चलिए अपन एक काम करते हैं यहाँ पे

एक बात बताओ जब भी आप बैंक से लोन लेके कोई भी खर्चा करते हो क्या ये में आएगा अदरवाइज no. में, में, तो में, में नहीं आएगा तो एक बात बताइए यहां पर ट्रस्ट ने फोर्टी लैख का बोरो क्या ये में आएगा? उससे खरीदा आंसर इज नो बट ट्रस्ट द प्रिंसिपल टेन लैक टू द इंडियन बैंक ऑन थर्टी मार्च टू 10 तो क्या ये में आएगा? लेता हूं, और इधर मैं आपकी एप्लीकेशन लिख लेता कि आपके कौन कौन से खर्चे हैं वो अप्लाइड में आएंगे तो एप्लीकेशन में एक तो आपका जो लोन का रीपेमेंट है टेन लाख रुपेज का तो वो टेन लाख रुपेज आपके अप्लाइड में आएगा चलिए आगे क्या दे रखा है The trust incurred the revenue expenditure of the 17 lakh ,00 and capital expenditure of 60 lakh ,00 towards the purchase of the land for the construction of the office building during the previous year ट्वेंटी 23 अब एक बात बताइए तो इन्होंने टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है वो 17 लाख ,00 किया है और यहाँ पे 60 lakh ,00 है वो 60 lakh ,00 का एक्सपेंडिचर किया है फॉर द परचेज ऑफ द लैंड एक बात बताइए परचेज ऑफ द लैंड के लिए 60 lakh ,00 का expenditure किया but उसमें से 40 lakh ,00 तो loan वाला है भाई फोर्टी लेख है वो तो आपका बोरोड कैपिटल वाला है तो एक बात बताओ आपने खर्चा कितना किया होगा ट्वेंटी लेक किया होगा और टेन लेख आपने रीपेमेंट किया तो मैं यहां पर अप्लाइड में कितना ले पाऊंगा सिर्फ थर्टी ले पाऊंगा क्योंकि एक बात बताइए ट्वेंटी लैख बाकी वाला रहेगा तो एक बात बताइए लोन का जो है उसमें से टेन लैख अप्लाइड में लेंगे और बाकी वाला जो लैंड का कॉस्ट है वो मैं ले लेता हूं ट्वेंटी लाख रुपए तो ये ट्वेंटी लाख रुपए और आपके अप्लाइड में आ जाएगा आगे क्या दे रखा है देखिए

टू लैख जो है आउट ऑफ द लाख, टू लाख आपने आगे जाके पे कर दिया तो वो अगले साल मिल जाएगा। आगे क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू एंड वन लैख रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकट ड्यूरिंग द प्रीवियस एक बात समझना करंट ईयर में ट्रस्ट ने क्या किया थ्री लाख रुपीज आपने वो वाला पे किया जो खर्चा ट्वेंटी टू का है और पेमेंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में किया है। एंड वन लैख रुपीज एक्सपेंडिचर ट्वेंटी ट्वेंटी करंट ईयर में आपने पे किया है तो क्या करंट ईयर में ले सकते एक बात बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं एक्सपेंडिचर इज अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस और ये अमेंडमेंट आपके प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से आया है तो मैं एक बात बताऊ प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का जो ये थ्री लैख का एक्सपेंडिचर है यह उस ईयर में अलाउ नहीं हुआ होगा बिकॉज उस ईयर से आपका एक्चुअल पेमेंट बेसिस तो ये उस ईयर में अलाउ नहीं हुआ होगा करंट ईयर में थ्री लैख तो का डिडक्शन आप करंट ईयर में ले सकते हैं ये जो थ्री लैक है उसका डिडक्शन आप करंट ईयर में ले सकते हैं ये जो थ्री लैक है उसका डिडक्शन आप करंट ईयर में ले सकते हैं बट वन लेख का डिडक्शन आप करंट ईयर में नहीं ले पाएंगे बिकॉज दिस अमेंडमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्चुअल पेमेंट बेसिस डिडक्शन अवेलेबल ऑनली फॉर द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ऑनवर्स आई कैन सेट असेमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऑनवर्ड्स के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है तो उस ईयर में तो ये डिडक्शन मिल गया होगा तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जब अक्रवल बेसिस पे वन लैक का डिडक्शन मिल गया था तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बट बेटा थ्री लैख रुपेज का डिडक्शन है वो आप करेंट ईयर में ले लेंगे तो ये पुराना जो थ्री लैख है उसका एप्लीकेशन आपको करंट ईयर में मिल जाएगा चलिए आगे क्या दे रखा है ट्रस्ट ऑल्सो रिसीव दर्टी लैक बाई वे ऑफ द कॉर्पस डोनेशन ड्यूरिंग प्रीवियस टू ट्वेंटी थ्री बट आउट ऑफ विच इट डिपोजिटेड लैक इन दोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट द बैलेंस इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट आफ्टर सच डिपोजिट इज थर्टी टू लैख अब एक बात बताइए यहां ट्रस्ट को एक कॉर्पस डोनेशन मिला है और ट्रस्ट को जो कॉर्पस डोनेशन मिला है वो कॉर्पस डोनेशन आपका थर्टी लैख है अब थर्टी लैख का कॉर्पस डोनेशन है बट कॉर्पस डोनेशन जो ट्रस्ट को मिलता है क्या वो एग्जेक्ट होता है आंसर इज यस एक्जेक्ट होता है बट उसमें कंडीशन है और कंडीशन यह है कि कॉर्पस डोनेशन जो मिलेगा वो सेफ मोड में जमा कराना पड़ेगा इलेवन फाइव में जमा कराना पड़ेगा अगर आपने में जमा नहीं कराया तो उस पर्टिकुलर केस में एक सेक्शन सेन वन फाइव बीबीआई डाली है और वन वन फाइव बीबीआई क्या डालती है कि जितना आपने इलेवन फाइव में जमा नहीं कराया दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट थर्टी परसेंट अंडर सेक्शन वन वन फाइव बीबीआई तो यहां पे क्या दे रखा है कि आपको कॉर्पस डोनेशन थर्टी लैख का मिला है

और विद्रॉ करने के बाद आपने इस साल जो लैंड खरीदा है ना वो लैंड के टूवर्ड आपने ये फाइव लैख का, का खर्चा वो वाला किया है जो कॉर्पस से विद्रॉ किया है एक बात बताइए जब भी भी आप आप कोई कोई कॉर्पस से करते करते हैं और उससे अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो इस साल के अप्लाइड में नहीं आएगा इफ एनीथिंग इज थ्रॉ फ्रॉम द कॉर्पस एंड अप्लाइड इन द करंट ईयर देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज करंट ईयर अप्लाइड तो एक बात बताऊ जो आपने कॉर्पस से अप्लाई किया वो लैंड में किया है वो ट्वेंटी लैख में इंक्लूड है तो मैं एक काम करता हूं उस फाइव लैख को आप अप्लाइड में नहीं ले सकते जो फाइव लेक आपने कॉर्पस से निकाला है और कॉर्पस से निकाल के आपने यूज किया है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर एप्लीकेशन उसको आप एप्लीकेशन में नहीं ले सकते आगे क्या दे रखा है द ट्रस्ट हैज डोनेटेड टू द एडो अनदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 एबी एंड द मेन ऑब्जेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पुअर

आगे क्या दे रखा है द ट्रस्ट हैज अप्लाइड आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रदर ऑफ द ट्रस्टी हु मेट विद एक्सीडेंट वाइल वर्किंग इन द फैक्ट्री अब एक बात समझिए ट्रस्ट ने दो लाख का खर्चा ऐसा किया जो कि

सर एक बात बताइए ये टू लैक जो अप्लाइड किया है फॉर द पर्पज ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फाउंडर या ऑथर या क्या किसके लिए किया है

1.5 BBI and it will be taxable at the rate 30%. चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछे हुए पहला क्वेश्चन What would be the application of the trust for the previous year 22-23 excluding the unconditional accumulation of 15%? 15% को आप छोड़ दीजिए उसके अलावा आप बताइए कि इस साल का application कितना होगा assuming that trust has fulfilled the relevant condition stipulated in section 12A. 12A की condition है वो satisfied कर ली. एक बात बताओ 12A की condition satisfied की तो applied में कितना आएगा तो आप एक काम करिए जो जो मैंने application लिखा है उसकी आप total कर दीजिए. तो बेटा सबसे पहले जो आपका loan का repayment है 10 lakh वो ले लीजिए. उसके बाद land वाला जो 20 lakh है, वो ले लीजिए करके ठीक है उसके बाद में आपका 15 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लीजिए उसके बाद 3 लाख वो पुराना वाला लिया था वो ले लीजिए और प्लस कर दीजिए 12 लाख और माइनस कर दीजिए आपका 5 लाख सो इट्स कम्स टू द 55 लाख तो आपका 55 लाख है ये आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा सो हियर गाइस योर राइट आंसर इज ए 55 लाख विल बी ट्रीटेड as एप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है If the trust does not get its account audited before the stipulated date referred to in Section 44AB, what would be the consequences? एक बात समझना आप लोग, अगर trust है वो अपनी audit नहीं कराता है time limit से पहले पहले तो क्या होगा? आपको पता है इस साल से एक नया concept आया है और वो section अगर आपको याद रहेगा तो 1310 करके section आई है और सेक्शन क्या बोलती है, है? कि अगर मान लो या तो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट की क्या होती है कि जो जो वाला है है उसका जो 20 से ज़्यादा का commercial receipt हो जाता इन टोटल रिसिट या फिर ट्रस्ट क्या करता है अगर कोई बिजनेस करता है, है वो इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट नहीं है या फिर अगर इंसिडेंटल है लेकिन उसके लिए सेपरेट uh, क्या बोलते हैं अगर वो इंसिडेंट incidental... सॉरी एक सेकेंड आप उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन इज 1310 और 1310 क्या क्या बोलती है अगर आप 1310 देखना चाहते हैं तो आप एक ट्रस्ट टॉपिक में जाइए और मैं आपको 1310 को एक बार बता देता हूं कि 1310 मैंने कहां पे दे रखी है तो 1310 जो दे रखी है अगर आपके पास बुक रहेगी नई वाली तो नई वाली बुक में आप अगर जाके देखेंगे तो पेज नंबर टू पे रहेगी और थर्टीन में आपको मैंने तीन चार चीजें दे रखी है एक तो वही क्या एनी अदर ऑब्जेक्ट जनरल पब्लिक यूटिलिटी है और उसमें आपका ग्रॉस रिसिट है उसमें कमर्शियल रिसिट ट्वेंटी से ज्यादा हो जाता है या फिर आपका जो है वो एनी अदर ऑब्जेक्टिव वो वाला हो, हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रस्ट मेंटेन नहीं करता है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट नहीं होती है या ट्रस्ट अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता ये चार थे तो मेंटेन नहीं करता है, या की वो नहीं कराता है करके ठीक है या फिर वो जो ट्रस्ट है वो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता है तो उसको 11 -12 का नहीं मिलेगा। और उसकी इनकम ऐसे निकाली जाएगी करके उसमें सिर्फ करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे जो कि इंकड किए

पर्सन को डोनेशन वगैरह किया तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है सबसे पहले कि आपका नो डिडक्शन विल बी अलाउड ट्रस्ट फेल टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड रेफर्ड अंडर सेक्शन फोर्टी फोर एबी नो डिडक्शन नहीं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिडक्शन मिल जाएंगे कैपिटल के नहीं मिले कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकड ऑन अकाउंट ऑफ परैंड ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वुड नॉट भी अलाउड यह सही बोल रहा है अमाउंट डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट नॉट भी अलाउड यह भी सही बोल रहा है उसके बाद बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकड ऑन अकाउंट ऑफ दचेस ऑफ लैंड एंड दमाउंट डोनेटेड टूड नॉट भी अलाउड यह आपका अप्रोप्रिएट है दोनों चीजें नहीं मिलेगी एक तो आप किसी और ट्रस्ट को डोनेट करोगे अलाउड नहीं होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होंगे सो डी विल बी द करेक्ट आंसर उसके बाद में नाइन पॉइंट पे चलते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम विच वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन बीबीआई फॉर द असेसमेंट ईयर थ्री ट्वेंटी तो एक बात बताओ बी में कौन कौन सा टैक्सेबल होगा ये दो इनकम टैक्सेबल हो रही है एक तो आपने कॉर्पस जो डोनेशन मिला था उसमें से फाइव लैक आपने डिपोजिट नहीं किया सेफ इन्वेस्टमेंट में इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन वन वन और बेटा एक आपका ये टू लैख रुपए जो उसके रिलेटिव के लिए यूज हुआ है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल तो टू लैक एंड फाइव लैक टोटल सेवन लैक सेवन लैक रुपेज इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन वन वन फाइव द रेट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी विच कैन बीविड सेक्शन टू सेवेंटीफाइडलेज अकर्ड ऑनली वन ड्यूरिंग द प्रीवियसिफाइड वायलेशन हुआ है आपका ये जिसमें क्या हुआ है कि आपने फाउंडर या ऑथर या जो रिलेटिव के लिए कुछ पैसा यूज किया है असेट यूज कर दिया है तो उसमें पेनल्टी भी लगती है ये पेनल्टी कितनी लगती है ये आपको दे रखी है पेनल्टी वाले टॉपिक में जाइए आप लोग और पेनल्टी वाले टॉपिक में जाते हैं तो पेनल्टी वाले टॉपिक में कौन सा पेज देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं मोस्टली आपके पेज नंबर फोर पे दे रखा है

है, तो टू लैख रुपेस का पेनल्टी लग जाएगा तो हियर गाइस टू लैख विल बी द राइट आंसर सो ए विल बी द राइट आंसर और आपको टू लैख रुपेज का पेनल्टी है वो आपको लग जाएगा मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन जो आईसीआई ने दिए हैं दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन जहां पे देखिए आपके अमेंडमेंट्स कवर हो रहे हैं ये अमेंडमेंट है ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो रहे हैं वो सब अमेंडमेंट कवर हो रहे हैं वीडियो वाला पॉइंट था वहां पर भी अमेंडमेंट कवर हो रहे हैं आप अगर मेरा जो बुक देखोगे वो सुपर थर्टी देखोगे उसमें भी मैंने काफी जगह अमेंडमेंट्स है वो कवर करने की कोशिश की है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नंबर अज्यूम फॉर द ऑफ दिस एमसीक्यू

इसमें ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी कैंसिल नहीं होगा और ट्रस्ट को एग्जामिशन भी कंटिन्यू मिलती रहेगी करके ठीक है तो डी विल बी द राइट आंसर नाइदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट वुड बी कैंसिल नॉर वुड इट बी डिनाइड द एज इट विल नॉट वायलेशन ऑफ द स्ट्रिगुलेटेड कंडीशन चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चलते हैं ट्वेल्व क्या बोलता है मिस्टर आदेश अ रेजिडेंट इंडियन परचेज अपार्टमेंट इन द आशियाना गार्डन

एक तुम्हारा 194 IA में एग्जैक्ट अमाउंट है तो भी टीडीएस आएगा और एक 194 डीए में उसमें जो मैच्योरिटी प्रोसेड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें एग्जैक्ट अमाउंट है तो भी बाकी सब में होना चाहिए। जैसे 194 की बात करूंगा 50 लाख से ज्यादा होना, तो होना चाहिए अगर मैं 194 ए की बात करूंगा तो 40000 से इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए लेकिन मैं बताऊं एग्जैक्ट अमाउंट है कहां कहां पे? एक वन तो जो ईपीएफ वाला अमाउंट होता उसमें है उसमें एग्जैक्ट 50000 है एक 194 फोर है लाइफ इंश्योरेंस मेच्योरिटी एक्जेक्ट वन लैक है तो भी टीडीएस आएगा और यहाँ पे एक्जेक्ट फिफ्टी लैबीएस आएगा, तो आएगा so चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ए लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इट इशुड बोनस शेयर टू ऑट ऑल इट शेयर होल्डर द कंपनी गिवस फ्री सैंपल ऑफ मेडिसिन टू द मेडिकल प्रैक्टिस यहां पे ए लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन्होंने क्या किया मेडिकल प्रैक्टिसनर को डॉक्टर को फ्री सैंपल दिए एज वेल एज उन्होंने क्या किया बोनस शेयर इशू किए हैं बी लिमिटेड ट्रेडिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑफर सेल्स डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल प्राइस बी लिमिटेड आल्सो प्रोवाइडेड द फ्री एयर टिकट टू द बैंकॉक टू इट्स डीलर

एक घंटा मैंने 194 नाइन आर वाली सेक्शन आपको पढ़ाई थी और मेरे को लगता है इस बार फॉर्म ऑफ द आप देखेंगे छोटा सा क्वेश्चन आ जाए क्योंकि वन नाइनटी फोर आर सेक्शन बताई थी एक घंटा सिर्फ वन नाइनटी आर पे मैंने लिया था कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके बेनिफिट्स वगैरह होते हैं उसमें कैसे टीडीएस आता है मैंने शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं मारा था रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच अमेंडमेंट लेक्चर सब चीजें वर्त हैं आप रिवीजन लेक्चर भी देखा होगा तो आपको पता है देखिए अगर मान लो आप कोई भी ऐसा बेनिफिट परक्यूजेड किसी को देते हैं तो उसमें टीडीएस आएगा लेकिन टीडीएस कहाँ कहाँ पे नहीं आएगा एक तो कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है वहां पे टीडीएस नहीं आएगा जो डिस्काउंट वगैरह है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एंड ऑल कभी कभी वो ऐसा होता है ना कि बाय टेन बाय टेन गेट ट्वेल्व उस पर भी टी डी नहीं आएगा तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा उसके बाद तुम्हारा जो बोनस शेयर था बोनस शेयर के केस में टीडीएस नहीं आता एज वेल एज द आपका जो राइट शेयर था उस उसपे टीडीएस नहीं आता अब एक चीज समझना टीडीएस कहां कहां पे आता है तो एक तो टीडीएस आएगा इसमें मेडिकल प्रैक्टिसनर को जब भी आप कोई भी ऐसे फ्री सैंपल्स देते हो तो इसमें टीडीएस आएगा तो जो मेडिकल प्रैक्टिसनर को यह जो फ्री सैंपल्स दे रहे

चीज आपको करा रखी है तो अगर आप रिविजन लेक्चर भी देखेंगे ना टीडीएस टीसीएस का तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी और पहली चीज देखो जो चीजें मैंने जितनी ढंग से कराई हुई है उन सब चीजों पर आर में क्वेश्चन है ट्रस्ट वाला टॉपिक इतना अच्छे से ढंग से कराया हुआ उस पर आप देखेंगे आ यहाँ पे पे क्वेश्चन है है करके ठीक आप इसमें देखेंगे इस पर क्वेश्चन है वाला पार्ट देखेंगे उसमें क्वेश्चन है तो यहाँ पे आईसीआई है वो टेस्ट करने वाली है अमेंडमेंट्स पे इस बार एग्जाम में तो चलिए इसका जो भी आंसर है आप चेक कर लीजिएगा आपको इजिली समझ में आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मिस्टर आकाश फाइल हिज ओरिजिनल रिटर्न ऑफ द इनकम अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन फॉर द असमेंट इवेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड फॉर असेमेंट इवेंटी थ्री ट्वेंटी फोर थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंडी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रेस्पेक्टिवली हाउ एवर फाइल एंड अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन अंटर ट्वेंटी थ्री ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीस ऑफ असमेंट अंडर सेक्शन थ्री थ्री इन रेस्पेक्ट ऑफ असमेंट इवेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड असमेंट इवेंटी थ्री ट्वेंटी एक बात बताइए आपका असेमेंट कम्प्लीशन का टाइम लिमिट क्या होता है तो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट अगर मैं 143 की बात करूं एंड 144 की याद है 9 याद है है मंथ मंथ फ्रॉम फ्रॉम द द द द एंड एंड ऑफ ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर सर कौन से पेज पे दे रखा है बता दीजिए इनको है है ना एक तो बताना पड़ता है कि कौन से पेज पे दे रखा है तो मैं आपको बताऊं आपने जो अपना रिटर्न फाइलिंग वाला टॉपिक कॉम्पैक्ट में देख रहे होंगे तो कॉम्पैक्ट में रिटर्न फाइलिंग वाला टॉपिक जहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है उसमें आपको देखिए मैंने दे रखा है टाइम लिमिट दैट इज ऑन द पेज नंबर अगर आपको चाहिए तो दैट इज पेज नंबर 327 आपकी बुक में देख सकते हैं और 327 पे एक टेबल दे रखी है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट उसके पहली लाइन में दे रखा है स्क्रूटनी असेसमेंट बैच जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 153 1 में ये टाइम लिमिट दे रखी है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर दैट इज फ्रॉम असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू से ये टाइम लिमिट 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है अब एक बात समझिए आप लोग वहीं पे आपको एक नोट दिख रहा होगा ग्रीन कलर से देखिए

तो 22-23 के लिए आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया 31 अक्टूबर 2023 तो 31 अक्टूबर 2023 में ये आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा 23-24 का दैट इज 31 मार्च 2024 और यहां से अगर आप नाइन मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 31 दिसंबर 2024 तक असेसमेंट कंप्लीट करना रहेगा फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू बट असेसमेंट या 23-24 के लिए तो आपने कोई भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया तो 23-24 असेसमेंट ईयर आपका कंप्लीट कब होगा इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2024 और वहां से अगर आप नाइन मंथ लेंगे तो 31 दिसंबर 2024 तो एक बात बताओ यहां पे भी 31 दिसंबर 2024 और यहां पे भी 31 दिसंबर 2024 सो दिस 31 दिसंबर 2024 इज इन द बोथ द केसेस दिस इज द राइट आंसर ज द राइट आंसर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये वाली क्लियरिटी चाहिए ये वाली क्लियरिटी चाहिए भैया कि नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर द स्क्रुटनी एंड बैच जजमेंट असेसमेंट नाइन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट अट ईयर बट इफ यू हैव फाइल द अपडेटेड रिटर्न जिस ईयर में आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से नाइन मंथ के अंदर अंदर है वो आपका असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए करके ठीक है चलिए हर एमसीक्यू इज अमेंडमेंट करके ठीक है चलिए वेरी गुड आई रियली सैल्यूट टू आईसीआई ऑन दिस आरटीपी बिकॉज इन एवरी एमसीक्यू दे हैव कंसीडर द अमेंडमेंट एवरी एमसीक्यू दे हैव कंसीडर द अमेंडमेंट सो रियली आई थैंक्स अलॉट टू द आईसीआई फॉर दिस एफर्ट बिकॉज जब भी वो गलत करते हैं हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो जब वो अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू लाइक प्रेस दैम हैव मेड द फेंटास्टिक आर टी पी फॉर द सी ए फाइनल चलिए

क्शन ट्रिपल वन ए डिविडेंड इंटरेस्ट इकम ट्वेंटी नॉर्मल वाली रेट है उस पर आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए तो टैक्स कैसे निकालेंगे तो देखिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सबसे पहले आप देखोगे कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल कर लेता हूँ ना सची हाँ। अब एक बात समझिए तो सबसे पहले आपका जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म कैपिटल गेन है वो एट द रेट ट्वेंटी परसेंट तो सिक्सटी ,00 तो ,00 लाख तो ,00 पे अगर आप ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट करेंगे इट्स कम्स टू दाख रुपीज लाख रुपीज का ये टैक्स आ गया उसके बाद में एक बात समझिए

फोर लैख फोर्टी थाउजेंड फोर लैख फोर्टी थाउजेंड उसके बाद ट्रिपल वन ए वाला आपका वन करोड़ है तो ट्रिपल वन ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन वन ए वाला वन करोड़ है सो so, वन करोड़ पे मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन परसेंट इट्स कम्स टू द पंद्रह लाख रुपया अब एक बात बताइए आपके पास रिमेनिंग इनकम कितना बच गया तो रिमेनिंग इनकम में मैं एक काम करता हूं आपके पास एक तो सैलरी का इनकम है वन करोड़ एटी लाख डिविडेंड का इनकम आपका टेन लाख रुपए यहाँ पे आपका डिविडेंड का इनकम है वो टेन ये भी देर के लिए टेन लाख है बट ये स्लैब रेट से जाएगा जस्ट इसको आप इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए, लिए. सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ कि डिविडेंड का इनकम आपका टेन लाख है ठीक है चलिए अब एक बात बताइए तो डिविडेंट करोड़ एटी लाख इज दैट सैलरी इनकम टेन अ डिविडेंड का इनकम

So, आपका टू करोड़ बचा टू करोड़ पे थर्टी परसेंट सिक्सटी लैख प्लस वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो कैन आई से दैट ही वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड अब एक बात बताइए सरचार्ज कितना आएगा? तो सरचार्ज कैसे होता है अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है इंडिविजुअल के में. में आपका 37%. एक बात यहाँ पे टोटल इनकम फोर करोड़ फिफ्टीन लाख है सो so फोर करोड़ फिफ्टीन लाख आप बोलोगे यहाँ पे तो टू करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज शुड भी ट्वेंटी लेकिन एक चीज ध्यान रखना मैंने आपको बताया था अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल ए है या फिर डिविडेंड का इनकम है तो इस पर मैक्सिमम सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट आएगा कंसिडर होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्वेंटी परसेंट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टेन परसेंट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन वाला एंड डिविडेंट की इनकम उस उसपे जितना भी आपका टैक्स आएगा उस पर मैक्सिमम सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट रहेगा

Lakh plus four lakh forty thousand plus twelve lakh, so it comes to the ninety two lakh fifty two thousand five hundred plus fifteen percent surcharge plus four percent health and education says so it comes to the one lakh 10,000 ten thousand sixty five thousand nine ninety. So this is your right answer. वन लैक सॉरी वन करोड़ टेन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड एंड नाइन नाइनटी दिस इज योर राइट आंसर ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा राइट आंसर रहेगा करके यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यहां पे भी आपका अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट कवर किया चलिए उसके बाद में यहां एमसीक्यूज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है अब डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट चालू होता है सबसे पहला अल्फा एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म विद द फाइव पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली it's written for the assessment year 2324 was selected for the scrutiny under section 1433 and controversially uh, was in relation to the loan was 50 lakh rupees from one of the partner mr raghav Credited in the books of the firm, the firm explanation that Raghav has given the loan of 50 lakh carrying interest at the rate 12%, as approved by the partnership deed, was not accepted since Raghav's explanation for the source of income in hands of was not found satisfactory by the assessing officer. Accordingly, the assessing officer treated the amount as a cash credit in hands of the firm.

पॉइंट सही है या नहीं एक बात बताऊं इस साल अमेंडमेंट आया है दिस आल्सो रिलेटेड टू अमेंडमेंट दिस इज आल्सो रिलेटेड टू अमेंडमेंट अब एक बात समझना अमेंडमेंट ये है सेक्शन 68 में कि अगर मान लो आपके बुक्स में किसी से भी एज अ बोरोइंग मिला है या एज अ लोन मिला है

उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पे आइए ऑन 31st March मार्च A Limited has थ्री outstanding interest liability इंटरेस्ट 3.5 ऑफ थ्री पॉइंट फाइव करोड टूवर्ड्स पेबल टू आई

डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अदरवाइज वो इंटरेस्ट आपका अलाउ नहीं होगा और अगर जो इंटरेस्ट है वो लोन में रिकन्वर्ट हो जाता है या उसके बदले में आप डिवेंचर इशू कर देते हो बॉन्ड्स इशू करते हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो क्या ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा आंसर इज नो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट तो क्या यहाँ पे बेटा ये अलाउ हो जाएगा आंसर इज नो इट विल नॉट बी अलाउड दिस इज ऑल्सो अमेंडमेंट करके ठीक है सो ऑल सेवेंटीन क्वेश्चन वी हैव चेक ऑल ऑन द अमेंडमेंट उसके बाद में क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन इज ऑल्सो अमेंडमेंट एटीन इज ऑल्सो अमेंडमेंट बट बेटा एटीन क्वेश्चन है ये मैं आपको ऑलरेडी सुपर थर्टी में करा चुका हूं अगर आप मेरा सुपर थर्टी देखोगे तो सुपर थर्टी में इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड सुपर थर्टी का एक्सप्लेनेशन लाइव वीडियो है यूट्यूब पे ही आप उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कौन से पॉइंट पे कौन सा क्वेश्चन है तो आप वहां पर एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन इज ऑलरेडी कवर्ड इन द सुपर थर्टी उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बोलता है

एक बात बताइए अगर आपके केस में रेड हुआ है तो रेड के केस में ये माना जाएगा कि हैविंग द डीम्ड इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर डीम टू है इंफॉर्मेशन इशू द नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट वन फोर्टी एट का आपको नोटिस इशू कर सकता है अब एक और बात बताओ 148 का नोटिस इशू कब तक होता है उसके टाइम लिमिट वन फोर्टी नाइन में दे रखी और 149 फोर्टी क्या बोलती है कि अगर आपका नॉर्मल केस है तो थ्री ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर नॉर्मल केस में थ्री फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बट इनकम एस्केपिंग किसी भी ईयर का अगर 50 लाख ,00 ,00 रुपेज या जा उससे ज्यादा है 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो टेन ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अब एक बात बताइए किसी एक साल का फिफ्टी लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए लेकिन इस बार एक अमेंडमेंट आया है

आपका आपका 23 लाख लाख जो है है वो इस साल इस साल साल में में शेयर खरीदा खरीदा था था 25 इसकी टोटल 50 से 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 ज्यादा तो 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 नहीं है। अब एक बात बताइए तो पर्टिकुलर से, आप पर्टिकुलर ईयर 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 आप देखोगे का टाइम लिमिट मिलेगा तो यहां पे 16, 17 प्रीवियस के लिए काउंट करेंगे तो assessment year uh, like 1718 uh, or i can say that previous year 1617 if i check for the previous year 1718 so 1718 previous year assessment year is 1819 so 19 and and from 31st march 2019 if you take the 3 years then 31st march 2022 you want to issue the notice on 17th april 2022 so it is not possible so notice cannot be issued under section 148 but

फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर फॉर द देंट यान सेवेंटी इंस्टेड ऑफ द टू शेयर्स अगर शेयर्स की जगह एक्सपेंडिचर होता तो एक्सपेंडिचर भी अगर आपका ज्यादा है लाख और मोर तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भैया टेन ईयर्स का टाइम लिमिट मिल जाएगा और टेन ईयर्स का टाइम लिमिट मिलेगा और सिक्सटीन सेवनटीन के लिए असेसिंग ऑफिसर कैन इशू द नोटिस सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर दैट इज अमेंडमेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी अब एक बात समझना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंने भी एक सुपर थर्टी में क्वेश्चन ले रखा है और सुपर थर्टी में जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है दैट इज आल्सो बेस्ट क्वेश्चन आपको करना है और यह क्वेश्चन भी आपको करना है जो आईसीआई ने दे रखा है बिकॉज दिस इज आल्सो कवर्ड द अमेंडमेंट दिस इज आल्सो कवर्ड द अमेंडमेंट ये जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है यह क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है वो भी अमेंडमेंट कवर करता है और अमेंडमेंट से रिलेटेड और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जस्ट डू दैट क्वेश्चन अच्छा इसमें ना एक बहुत सारे बच्चों को यह डाउट आ रहा है

आपको पता है एटीपी में जनरल डिडक्शन और मिलता है फिफ्टी थाउजेंड का और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को वन लैख का तो क्या वो डिडक्शन मिलेगा नहीं? वो डिडक्शन तब मिलता है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर एक्टिविटी भी करती है तो अदर एक्टिविटी करती है तो उस पर मिलता है इसमें और कोई एक्टिविटी नहीं है इसमें सिर्फ यही वाली इनकम है इस पर तो हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा बाकी उनका एफडी का इंटरेस्ट है इनका जो बैंक अकाउंट है उससे इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट वाला जो थर्टी टू लैख है फिक्स डिपोजिट विद द ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा और इसके सामने जो है वो आपको एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा

एंड प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटेलमेंट लाइसेंस है ये इनकम टैक्सेबल तो पीजीबीपी में होती है बट आप डिडक्शन क्लेम करते टाइम जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट लेते उसमें ये नहीं लेते क्योंकि इट इज नॉट यू कैन से ये जो है ये इट इज नॉट यू कैन से दैट द डिराइव फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट इज नॉट ट्रीटेड एज डिराव फ्रॉम दिस एक्टिविटी तो ये टैक्सेबल तो पीजीबीपी में होंगे बट एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम इसको करंट ईयर की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे ऐसा मैंने सुपर थर्टी में भी एक क्वेश्चन लिया है और ये सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है आप करेंगे तो आपसे ये हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पीजीबीपी का क्वेश्चन है ऑल अमेंडमेंट आई ऑलरेडी आई ऑल द लाइक पॉइंट्स भी ऑलरेडी कवर्ड करके ठीक है ये जितने भी पॉइंट्स है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके अगर आप देखेंगे ना दैट इज दैट इज देखेंगे ना न, 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 आप अगर देखेंगे ना अपना वो सुपर थर्टी का पहला क्वेश्चन तो उसमें भी आपके ऑलमोस्ट जो पॉइंट है वो आपके कवर यहाँ पे हो चुके हैं करके ठीक है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पॉइंट है वो कवर हो चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे आपसे इजीली हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में कोई अमेंडमेंट नहीं है एज इट इज क्वेश्चन उन्होंने एनआर टेक्सेशन से जो अपने कंपाइलर में क्वेश्चन है वो एज इट इज उन्होंने आर में दे रखा है उसके बाद ट्वेंटी जो है एंड ट्वेंटी का पार्ट नंबर टू इसमें भी कोई एस सच कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें पहले मैं वही पूछा है कि ट्रांसफर प्राइजिंग लगेगा या नहीं लगेगा और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका ट्रांसफर प्राइजिंग में उससे रिलेटेड है जो नाइनटी टू सी

almost in the all the question they have covered the amendments and that is the what i always say that okay, you should focus to the amendment because may ka paper hai wo amendment based paper rehta hai usme bahut sare amendments hai wo exam mein cover kiye jate hain aur kuch kis extent tak karti hai na ici वो आप देखोगे तो मैंने एक टी डी का question और लिया है जो super थर्टी में तो super थर्टी के questions आप देखोगे उसमें भी मैंने काफी जगह है वो amendments cover किए हैं so guys that's enough for today from my side मैं तो आपको यही बोलूंगा अभी करके ठीक है कि भैया टाइम जो है वो बहुत ही कम है और लाइफ में देखो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा या तो अभी पढ़ लो या फिर बाद में पढ़ लेना तो आपके पास में ऑप्शन है कब पढ़ना है बट मेरे को लगता है ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना है यही ऑप्शन है अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है नाउ यू हैव टू स्टडी और मैं बताऊँ ना जो अभी जो लास्ट वाले डेज होते हैं ना इन डेज में अगर आप ढंग से स्टडी कर लो अपना हंड्रेड दे दो करके ठीक है आप आराम से पास हो जाओगे और इस बार का रिजल्ट अच्छा रहने वाला है जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक और चीज समझना ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो लेक्चर था ना, ना, मैंने टाइम लिमिट बोलते लाइक ट्वेल्व मंथ नहीं है जहां के मैं पढ़ा रहा था वो टीपीओ वाला पॉइंट तो वहां पे जो मैं टीपीओ वाला पॉइंट पढ़ा रहा था ना वहां पे मैंने ट्वेल्व बोला इट शुड नॉट बी ट्रॉडेंट बोलते टाइम स्लिप हो गया था वो आप ध्यान देना मुझे बाद में रियलाइज हुआ करके ठीक है चलिए उसके बाद में मैं आपको जस्ट यही बोलूंगा ये वाला जो टाइम है बहुत ही क्रुशियल टाइम है आपकी लाइफ में इसको मतलब ऐसे ही वेस्ट मत कर लेना बिकॉज ये जो टाइम है ना मतलब दैट इज द लाइक मैं बताऊँ आप भले इमोशन हो इमोशनल हो या फिर आप क्या बोलते हैं दुखी हो खुश हो इस सब पोजीशन को छोड़िए आप इमोशन को छोड़िए नाउ जस्ट वट एवर योर टारगेट जस्ट फोकस टू दैट टारगेट आपका टारगेट है पढ़ना एंड जस्ट फोकस टू दैट करके ठीक है बिकॉज बहुत बार ऐसी लाइफ में ऐसा मन करेगा नहीं यार ये कर लेते थोड़ा कंफर्ट में चले जाते बिकॉज कंफर्ट जोन में रहना हर किसी को अच्छा लगता है अगर आपको आज बोला जाए यार पढ़ना नहीं है चलना घूमने चलते हैं क्रिकेट खेलने चलते ये करते हैं वो करते हैं आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा मोबाइल पर चैट करना इंस्टाग्राम की स्टोरी देखना बहुत ईजी है वो लेकिन पढ़ना इज डिफ़िकल्ट सो वॉट आई वॉन्ट टू जस्ट से दैट कि भैया उस कंफ़र्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए और आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज अ स्टडी जस्ट फोकस टू दैट स्टडी वी आर हेल्पिंग यू इन योर सक्सेस बट मैं बता दूँ आप पास होंगे या नहीं होंगे वो आप ही डिसाइड कर सकते ना तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना कोई और पर्सन डिसाइड कर सकता है इट्स इन योर हैंड और जो चीज़ आपके हाथ में है ना उस पर लाइक like, आपको सोचना है बाकी सब चीज़ें हैं वो आपको नहीं सोचना बाकी इधर उधर की चीजें हैं वो आपको नहीं सोचनी है जस्ट यू हैव टू टारगेट एंड यू हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और मेरे को लगता है आप पास हो जाएंगे आराम से मैंने बोला है ना मान लो ना इतना लो ठीक है और जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन है सुपर थर्टी क्वेश्चन है बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और ये आरटीपी का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप प्लीज इसको देख के जाइए थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स फॉर टू फ्रॉम माई साइड